हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फोर्थ सेम की मैथ्स मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ रहे हैं, जिसकी यूनिट थ्री पढ़ेंगे आज हम लोग। वेक्टर कैलकुलस इसका नाम है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है और वेक्टर डिफरेंशिएशन है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेडियंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। तो आइए देखते हैं, फॉर्मूला है हमारा ग्रेडियंट फाई, या तो आप इस तरीके से डेल फाई लिख दीजिए, या इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, जी आर ए डी और फिर फाई लिख दीजिए, ठीक है। अब इस ग्रेडियंट, इस डेल की वैल्यू होती है आई, ये आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, और इनके बीच में किसका साइन है, प्लस का। फाई हमने बाहर लिख दिया है, उसके बाद फाई का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया, सब में फाई आ गया, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ फाई इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है, देन फाइंड ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट 1, -2, -1, ठीक है। तो फाई आपको गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम, उस वैल्यू में हम एक्स और वाई और जेड की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1, -2 और -1, ठीक है। तो एक चीज और जो हम बार बार बोलते हैं कि वीडियो जो बोर्ड पे जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उस सबकी पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, इसके बाद डेल फाई अपॉन डेल एक्स, अगर यहां से डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, एक्स की रिस्पेक्ट में अगर 3x² y - y³ z² ये फाई की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले इसको एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, फिर वाई की रिस्पेक्ट में और फिर जेड की रिस्पेक्ट में। जब एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² y, तो क्या हो जाएगा, 6xy, और यहाँ पे एक्स नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये लिख दिया। फिर डेल फाई अपॉन डेल वाई, वाई दोनों में है, तो आ जाएगा 3x² - 3y² z² ये लिख दिया। फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये फर्स्ट वाला टर्म जीरो हो जाएगा, आ जाएगा -2y³ z, यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -2 है और जेड की वैल्यू -1 है, ये हमने पुट कर दिया तो हमें इक्वेशन मिल गई -12i - 9j - 16k, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ r इज इक्वल टू मॉड r, r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, xi + yj + zk, ठीक है। वेयर r इज इक्वल टू xi + yj + zk, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3-4 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, डेल एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर डेल आर, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये बता दें कि अगर r की वैल्यू xi + yj + zk है, अगर हमें मॉड r निकालना है, मॉड r जब हम किसी भी चीज का मॉड निकालते हैं इक्वल टू अंडर रूट हो जाता है, i j k के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसको स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं, तो हमने x² + y² + z² हो गया अंडर रूट के अंदर। अब r स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब हम अगर इस इक्वेशन को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, 2r dr/dx = 2x, y² वाला टर्म और जेड स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dr/dx = 2x/2r, 2 से 2 कट जाएगा, x/r, तो dr/dx की जगह पे x/r पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y/r, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, z/r, ठीक है। अब हम फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ये वाली चीजें इस क्वेश्चन में यूज होनी है इसलिए हमने बताई। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने डेल एफ आर, तो डेल की वैल्यू पुट कर दी, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड और एफ आर। अब इस एफ आर को अंदर ले गए हम, पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे फाई को अंदर ले गए थे, अब फाई की जगह पे यहाँ पे एफ आर है। अब
अब x की रेस्पेक्ट में अगर एफ आर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश आर आ जाएगा, एफ डैश आर डेल आर बाई डेल एक्स, ऐसे यहां पे आ जाएगा एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल वाई, एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल जेड। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एफ डैश आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। अब देखिए डेल की वैल्यू, डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। अगर यहाँ फाइ की जगह पे आर लिखा हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डेल आर, अगर फाइ की जगह आर हो तो डेल आर लिख सकते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ की डेल आर लिख दिया और हमें राइट हैंड साइड मिल गया, यही हमें राइट हैंड साइड पे प्रूफ करना था, तो ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब ये चीज अभी यूज होगी हम लोगों के शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर वन हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको हम रख करके और फिर आप तब तक नोट कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट है, क्या प्रूफ करना है, डेल एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए क्रॉस का साइन है, इसमें क्या होता है वेक्टर वाली एक्सरसाइज में क्या होता है कि अगर आर क्रॉस आर है तो जीरो हो जाएगा, आर डॉट आर है तो वन होगा, आई डॉट आई है तो वन होगा, आई क्रॉस आई है तो जीरो होगा, जे क्रॉस जे है तो जीरो होगा, जे डॉट जे है तो वन होगा, ठीक है। तो अब देखिए तो ये है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल एफ आर इंटू आर, ये है, ठीक है। अब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा था डेल एफ आर को क्या आई थी वैल्यू, एफ डैश आर डेल आर, फिर ये वाला क्रॉस आर हमने लिख लिया। अब डेल आर की वैल्यू होती है आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है, ये होती है। तो इसके बाद F डैश R अपॉन R इधर लिख लिया बाहर और ब्रैकेट के अंदर हो गया R क्रॉस R, R क्रॉस R की वैल्यू जीरो होती है तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा डेल लॉग R, ठीक है। तो और लॉग R का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग R का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन R, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पे हमने डेल की वैल्यू के साथ लॉग R लिख दिया पूरे में, फिर क्या हो गया, लॉग आर का डिफरेंशिएशन वन अपॉन आर हो गया, तो आई अपॉन आर जे अपॉन आर के अपॉन आर, और क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स आ जाएगा इस वाले में, यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल वाई आ जाएगा, यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल जेड आ जाएगा। और हम डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू पार्ट वन में निकाल के दिखा चुके हैं, क्या होती है, एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर, वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। इस पूरे से आर बाहर ले लिया तो वन अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये आर होता है पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ आर अपॉन आर स्क्वायर, यही प्रूफ करना था हम लोगों को, आर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है, डेल आर की पावर एन इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस टू आर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में अगर आर अपॉन एन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एन आर की पावर एन, एन आर आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही वाई और जेड के टर्म में हो जाएगा। तो एन आर की पावर एन माइनस वन तो तीनों टर्म में आएगा, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी हमने क्या किया, डेल आर अपॉन डेल एक्स फर्स्ट टर्म में आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई सेकेंड टर्म में, और डेल आर अपॉन डेल जेड थर्ड टर्म में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर रख दिया, आर बाहर निकाल लिया। जब आर हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ये पोजीशन वेक्टर आर, यहाँ पे आर लिख दिया इसकी जगह पे, और ये वाला आर जब ऊपर जाएगा आर की पावर माइनस वन हो जाएगा, तो आर की पावर एन माइनस वन है, फिर से एक माइनस वन हो जाएगा तो आर की पावर एन माइनस टू आ जाएगा। तो आंसर हमें मिल जाएगा एन आर की पावर एन माइनस टू इंटू आर, यही हमें राइट हैंड साइड पे लाना था, ठीक है। तो
आज ये वाला पार्ट हो गया, इसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वाला पार्ट अभी हम लोग करेंगे, तो तब तक आप लोग ये वाला कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका आगे का पार्ट करेंगे। आज हम लोगों को ग्रेडियंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करने हैं, ठीक है? तो नोट कर लीजिए।